हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास थर्ड, क्वेश्चन नंबर 14। राइट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट यूजिंग ऑल द डिजिट 504 ईच ओनली वंस। भाई हमें ये नंबर दिए हुए हैं, थ्री डिजिट दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ओके, थ्री डिजिट का। तो यहाँ पे भाई स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, भाई सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से क्या है, जीरो है। बट हम जीरो को सबसे पहले राइट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम जीरो को आगे राइट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टू डिजिट का नंबर बनेगा। तो भाई जीरो से बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, फोर। आफ्टर दैट क्या आएगा, फिर हम जीरो को राइट करेंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, फाइव। तो इन डिजिट से हमें क्या करना है, क्या नंबर बनेगा हमारा थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 405। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ ग्रेटर। अब इन दोनों में से भी हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 625 है, यहाँ पे बीच में हम राइट कर लेते हैं हमारे पास और बॉक्स, और नेक्स्ट नंबर हमारे पास 760। तो इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है, भाई 760 बड़ा है, तो ये साइन हमारा इस तरफ आ जाएगा। ओके, तो नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा हमारा 760। तो भाई हमारा कौन सा नंबर इन दोनों में से ग्रेटर हो जाएगा, 760। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच इज स्मॉलर। अब इन दोनों नंबर में से हमें बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉल है, छोटा है, ठीक है। तो भाई नंबर राइट करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1001, बीच में यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे। ओके, और नेक्स्ट नंबर हमारा 2040। तो अब इन दोनों नंबर्स की कंपेयरिंग करनी है, यानी कि हमें बताना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर हमारा छोटा है। तो देखो यहाँ पे 1001 है और यहाँ पे कितना है, 2040। तो हमारा भाई छोटा नंबर क्या होगा, 1001। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है राइट नंबर बिटवीन 540 एंड 548। भाई हमें टू नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 540 और 548 के बीच के हमें नंबर बताना है, ठीक है। 540 से अगला नंबर क्या आएगा, 541, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 542, फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 543, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 544, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 545, फिर नेक्स्ट नंबर 546, फिर क्या हो जाएगा, 547। तो ये नंबर क्या होंगे भाई, इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर होंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, यूज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल इन द ब्लैंक्स। भाई हमें तीन साइन दिए हैं, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल के, इनको ब्लैंक्स के अंदर यूज़ करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट, जिससे हमारा सेंटेंस क्या हो सके, करेक्ट हो सके। तो अब इन दोनों नंबर में भी कंपेयरिंग करेंगे, तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 739 बड़ा है। तो ये हमारा साइन किस तरफ लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा। ओके, अब इन दोनों नंबर की कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 105। तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 110 बड़ा है, तो ये नंबर हमारा इधर आ जाएगा। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट नंबर हमारे पास 181 है और इधर भी हमारा क्या है, 181। तो दोनों के बीच में किसका साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि भाई बोथ साइड के हैं, दोनों नंबर इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 596 और 695। तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 695 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 300 और 310। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, 310। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 625, इधर भी और इधर भी क्या है, 625। तो दोनों के बीच में किसका साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि बोथ साइड क्या हैं, इक्वल नंबर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 712 और 110। भाई 112 बड़ा होगा 110 से, तो ये हमारा साइन इधर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास इधर 50 है और इधर 18 है, भाई इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, 50 बड़ा होगा ना, तो ये साइन हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ओके, अब इधर है हमारा नेक्स्ट नंबर 400 और इधर है 506। भाई 400 बड़ा है या 546 बड़ा है, तो क्या होगा हमारा, 546 बड़ा होगा, तो हमारा ये इधर साइन आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे, थैंक यू।